हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मजोका टाटा टेक पे। आज जो हमने गाड़ी अटेंड करी है वो टाटा BS6 है, जिसमें ड्राइवर का कहना यह है कि मेरी चलती गाड़ी में चेक लैंप की लाइट आ रही है और मैंने इस प्रॉब्लम के लिए 4-5 कंपनियों में दिखाया, मेरी प्रॉब्लम कहीं भी सॉल्व नहीं हुई है। तो चलिए देखते हैं गाड़ी के अंदर, लैपटॉप कनेक्ट करते हैं और देखते हैं ऐसे क्या कौन सा फॉल्ट कोड है जो 2-3 कंपनियों में जाने के बावजूद भी गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो हमने ड्राइवर को कहा है आप बेफिक्र रहिए, टाइम दीजिए हमें, हम आपकी गाड़ी की पक्का प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फॉल्ट कोड क्या आ रहे हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो गाड़ी के साथ जब हमने लैपटॉप को कनेक्ट करा तो हमें कुछ ये फॉल्ट कोड देखने को मिले, 56-55 एक तो फॉल्ट कोड आ रहा है, दूसरा हमारा है 41-52 फॉल्ट कोड है और 41-51 फॉल्ट कोड है। अगर हम 41-52 फॉल्ट कोड को डबल क्लिक करके खोलेंगे तो हमें कुछ ये फॉल्ट कोड ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। SCR टेम्परेचर सेंसर मॉड्यूल, इसका कहने का मतलब है जो हमारा टेम्परेचर सेंसर का मॉड्यूल होता है उसकी कैन वायर में कहीं पे प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमें ये फॉल्ट कोड देखने को मिल रहा है। दूसरा अगर हम इसको खोलेंगे तो इसको भी में भी वही प्रॉब्लम है जो हमारा DP फिल्टर होता है, उसमें भी टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं, उसकी कैन वायर में प्रॉब्लम है। तो ये दोनों अलग अलग फॉल्ट कोड नहीं है, ये दोनों एक ही फॉल्ट कोड है, क्योंकि जो हमारे टेम्परेचर सेंसर होता है SCR में हमारे 5 टेम्परेचर सेंसर लगते हैं, वो सारे एक ही मॉड्यूल से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसको टेम्परेचर सेंसर ना बोल के टेम्परेचर सेंसर मॉड्यूल बोलते हैं कि ये सारे साथ में जुड़ा होता है। हम उसी की वायरिंग की कैन वायरिंग की प्रॉब्लम बता रहे हैं ये दोनों सेंसरों में। तो चलिए गाड़ी के पास चलते हैं और देखते हैं हमें इसके गाड़ी को कैसे चेक करना है और हमें गाड़ी में कहाँ प्रॉब्लम मिलती है। देखिए हम आपको हाथ लगा कर दिखाते हैं ये कौन सा मॉड्यूल होता है, जगह ऐसी ही है, ठीक है। चलो वो इसमें 4 तार हैं, जैसे कि हमने पहले भी इसके ऊपर इसके वायरिंग डायग्राम के ऊपर बना रखी है। ये हमारी जो ब्लैक तार है आप देख रहे हैं, इसमें हमारा 24 वोल्ट आएगा, ब्राउन के ऊपर हमारा अर्थ आएगा और ये दोनों हमारे कैन वायर हो गए। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा 24 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहले लो चेक करवाओ कौन सी पिनें हैं, हाँ इन दोनों में लगाओ मल्टीमीटर, नीचे वाली ऊपर वाली में। तो ये देखिए हमारा 24 वोल्ट आ रहा है, हमने 200 पे रख के चेक कर रहे हैं, 24 वोल्ट हमारा आ रहा है। और अब हम इसमें कैन वायर में चेक करेंगे कि हमारा 2.5 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम इसको 20 पे ले लेंगे। अब दिखाओ ग्राउंड, तो यहीं से ही ले लो, ग्राउंड वाली पिन में डाल दो इसको। ये हमने अभी हरे वाले में लगाया जिसमें हमारा 2.5 से कम वोल्ट आना चाहिए, और अगर हम देखेंगे तो आप देखिए हमारा इसमें 2.5 से ज़्यादा वोल्ट आ रहा है। दूसरी में दिखाओ, ये हमारा हाई कैन में लगा रहे हैं और इसमें भी हमारा 2.5 से ज़्यादा आ रहा है। तो अब हम एक बार चाबी को ऑफ करवाते हैं और इसमें रेजिस्टेंस चेक करते हैं, हमें लगता है इसके रेजिस्टेंस की वायर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार चलिए हम वो चीज़ देखते हैं, चाबी ऑफ कर लिए और हम इसे रेजिस्टेंस पे लेते हैं और ये देखिए हम इसको 200 ओम पे लेंगे और अब हम देखते हैं हमारे इसमें ओम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसमें हमारे ओम तो बहुत कम आ रहे हैं, इसमें 60 ओम आने चाहिए और ये दिखा रहा है 22-23 ओम दिखा रहा है। तो ये हो सकता है हमारी कहीं वायरिंग शॉर्ट तो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इतना कम क्यों आ रहा है। कैन यहाँ पर एक कैन होगा उसको चेक कर रहे हो, देखो ढूंढो कहाँ पर है, यहीं पे आसपास ही होता है कैन।
जैसा कि अभी हमने देखा, इसके अंदर हमारे जो कैन है वो बहुत ही कम आ रहे हैं, जबकि 60 ओम आने चाहिए, हमारे यहाँ पर 20-25 ओम आ रहे हैं। तो जहाँ पर जो हमारी कैन वायर होती है और हमारे नॉक सेंसर पे जो कैन होती हैं, दोनों एक ही जगह वायर से जुड़े हुए होते हैं। तो हम एक बार नॉक सेंसर के कपलर खोल कर वहाँ कैन देखते हैं कि वहाँ प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसके ये इसलिए होगा क्योंकि ये हमारा जो जॉइंट है, हम ये चीज़ पहले डिसाइड करते हैं कि हमारे इस जॉइंट से ये SCR टाइप वो सॉरी ATS साइड का हो गया, ये हमारे वायरिंग साइड का हो गया। तो नॉक सेंसर पर चेक करने से हमें ये मालूम पड़ जाएगा हमें इधर देखना होगा या इधर देखना होगा। तो चलिए एक बार हम नॉक सेंसर पर देख लेते हैं कैन कितना आ रहा है। हमने कैन वायर का जो कपलर है उसको हटा लिया और इसके हम कैन वायर पर देखते हैं, नॉक सेंसर का जो कपलर है उसको हटा के कैन वायर में देखते हैं। और आप वोल्टेज पे देख रहे हैं उसको, उस पर लीजिए, लगाओ। इसमें भी आप देखिए हमारा जो एक तो ये रुक नहीं रहा है और अब भी इसमें कम आ रहे हैं, जबकि हमारा 60 ओम आना चाहिए। तो हमारे नॉक सेंसर पे भी यही प्रॉब्लम है। तो मतलब हमें यहाँ नहीं और आगे चलना पड़ेगा, और सबसे पहले हम अब पॉइंट पकड़ेंगे जो हमारा कैन सॉरी यूरिया टैंक होता है उस पर लेवल सेंसर है, वहाँ वो वायर भी हमारे कैन ये तीनों पे ही आता है। तो अब हम वहाँ पर लेवल सेंसर पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं कितना ओम आ रहा है। तो हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और कहाँ हमें कहाँ प्रॉब्लम मिलती है। चलो थोड़ी पड़ता है इसमें, हमने जो हमारा जो यूरिया का गेज होता है उसका कपलर निकाल लिया है। और ये हर गाड़ियों में ये बने हुए होते हैं, बहुत दिक्कत आती है काम करने में। तो जो हमने इसके भी कैन वायर पर जब हम चेक कर रहे हैं और यहाँ भी हमारी सेम प्रॉब्लम आ रही है। ये देखे हमने 200 पे ही रख के देखा है, अब भी हमारी वही दिक्कत आ रही है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे SCR वाले कपलर पे और उसको वहाँ पर चेक करते हैं कि वहाँ हमारे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या आ रही है। तो ये एक तो ये हमारा सेंसर लगा होता, आप देख लीजिए ये हमारा गियर है, गियर के ऊपर जस्ट यहीं पे वायरिंग में लगा हुआ है। ये हमने इसका TR खोल लिया, इसमें देखते हैं हमारे कितने ओम आ रहे हैं। एक तो हमारा जो TR है यहाँ पर और दूसरा इशू के पास में होता, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हमारा कितना आ रहा है। और इसे देखिए हमने 200 पे रखा हुआ है और इसमें चेक करते हैं। तो जहाँ पर हमारा देखिए 120 ओम सही आ रहा है। अब आप जहाँ से जो TR निकाला है ना वहाँ पर दिखा चेक कराओ। तो जहाँ से हमने TR निकाला था वहीं पर हमने चेक करा हुआ है और यहाँ पर हमारा यही प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए हम एक इशू के पास चलते हैं और वहाँ का TR निकाल के चेक करते हैं। चलो इशू के जो पास TR है ना उसे निकाल के चेक करवाओ। अब ये देखिए हम नीचे लेट के बना रहे हैं, ये हमारा इशू हो गया। इशू के पास में यहाँ पर नीचे अर्थ का साव है, इसी के पास में एक हमारे ये कैन लगा हुआ और एक कैन हमारे ये लगा हुआ, दोनों में से कोई सा भी एक कैन हमारा जो ATS पे जाएगा और दूसरा हमारा जो होगा वो हमारा उसका होगा VCM का होगा। तो चलिए हम इनको देखते हैं हमारे इनमें से कौन सा, दोनों कैन को बाहर निकाल के चेक करते हैं कि इनमें हमारी कितनी कंटिन्यूटी आ रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि कैन वायर हमारा कहीं पे शॉर्ट हो रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और सबसे पहले हम तो TR ही चेक करेंगे। तो ये दो TR है, हम फिर बता देते हैं इशू के जस्ट नीचे जहाँ ये अर्थ का साव है यहीं पर दोनों TR मिल जाएंगे आपको। ये इशू पे लगने वाले हमने दोनों TR निकाल लिए हैं और एक ये TR रखा हुआ जो वहाँ का था ये तो हमने चेक कर लिया। हम इन दोनों को ही एक बार चेक कर लेते, हमें मालूम नहीं है ना कौन सा कहाँ का है, तो हम दोनों को एक बार चेक कर लेते कौन को सही है या नहीं है। तो ये तो हमारा TR सही है, 120 ओम आ रहा है, दूसरा दिखाओ। तो ये देखिए ये भी हमारा सही है, मतलब हमारे TR तो सही है। तो अब ऐसा ही लग रहा है हमारी कहीं पे वायरिंग शॉर्ट हो सकती है। चलो एक बार वहाँ चलते हैं।
हमने वो दोनों टीआर लगा दिए हैं वापसी इशू के पास में जो खोले थे। अब हम यहाँ पर आए हैं और इसे खोलते हैं एक बार और जहाँ पर हम देखते हैं हमारा कैन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमने कैन वायर में चेक कर रहे हैं तो हमारा 120 ओम प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए हमारा ओम आ रहा है। अब हम क्या करते हैं और इधर वाले टीआर को भी लगाते हैं और फिर हम जहाँ वाला देखेंगे कि यहाँ पर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ तक की तो हमारी वायरिंग कन्फर्म है कि सही है जो हमारी J2 से कपलर से आ रही है। तो ये कपलर हमने वापसी लगा दिया। अब हम ATS पे चलते हैं और उस कपलर के ऊपर देखते हैं हमारे 120 ओम आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि 120 ओम ही देखने, क्योंकि अभी भी हमने ये TR हटा रखा है तो हमें 120 ओम ही चेक करने हैं। इशू से ही हम चालू हुए हैं, पहले हमारा ये जॉइंट होगा जहाँ पर 120 ओम आ रहे हैं। अब हम ATS के कपलर पर चलते हैं और वहाँ पर देखेंगे 120 ओम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यह देखिए, जो हमने ATS का जो कपलर होता है आपने देख लिया होगा। एक मिनट लाइट चालू कर लेते हैं, ऐसी जगह हमें फ़ोन पहुंचाना भी मुश्किल पड़ता है। ये हमारा ATS का कपलर हो गया और यही ये हमारी वायरिंग आ रही है पीछे से। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको दो कैने दिखाई देंगी। ठीक है, एक तो हमारे इस वायरिंग में यानी इस वाली वायरिंग में आने का है और यहाँ से घूम के एक रिटर्न आने का है। तो हमें यहाँ पर एक वायर में हमें 120 ओम मिलने चाहिए, तो दोनों में हमें ये मालूम नहीं है कौन सा है, तो देखते हमें किस में मिल रहा है 120 ओम। देखो बारी बारी, सबसे पहले ये बाहर वाली ओम में देखना। तो हमने ये बाहर वाली जो देख रहे हैं आप बिल्कुल साइड वाली, इसमें हमारे ओम नहीं आ रहे। इसका मतलब है ये हमारी अंदर से जाके बाहर निकलने वाली है, यानी इस जो हमारे ATS में से जो आउटपुट वाली है। इनपुट वाली में देखो, दूसरी वाली जो दूसरी कैन वायर है हम उसमें लगाते हैं और ये देखिए हमारे यहाँ तक 120 ओम आ रहा है। तो मतलब हमारा यहाँ तक की तो वायरिंग प्रॉपर है। तो ये कपलर हमने लगा दिया। अब आगे चेक करने के लिए हमें थोड़ा सा ये ऊपर का जो जो फट्टा है जो इन्होंने लगवा रखा है वो हटा लेते हैं। एक बार इसे खोल लेते हैं ताकि हम अच्छी तरीके से चीज़ को चेक कर सकें कि कहां पर क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए इसे खोलते हैं, उसके बाद फिर आगे के हम देखेंगे। हमें ऊपर से पूरा ATS आराम से दिखाई दे जाएगा। जी, हमने फट्टा हटा लिया है और अब हम देखते हैं वापसी यहां पर कैन माइनस का। हाँ, ये देखिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। इसकी वायरिंग देखो कहीं शॉर्ट तो नहीं, इसकी वायरिंग तो कहीं पे शॉर्ट नहीं हो रही है। ये तो सारी सामने ही है। आप एक काम करो, जो वो आगे वाला नॉक सेंसर है ना उसका कपलर हटाओ और देखो वहाँ मुड़ी लग रही है, वहाँ पर कोई शॉर्ट तो नहीं है। खोलो उस कपलर को, सेंसर वाले को, नॉक सेंसर वाले। अपन ने यहाँ पर एक नॉक सेंसर आगे वाला हो गया, ये पीछे वाला हो गया है ना, और टेम्परेचर का भी खोल लिया और उस नॉक सेंसर का खोल के देखो वहाँ कोई शॉर्ट तो नहीं है। मुड़ी वायर जहाँ लग रही है इस जगह मुझे लग रहा है कोई शॉर्ट हो सकता है, तो उसको खोल के देखो एक बार, निकालो नॉक सेंसर कपलर को। इसके जहाँ देखो कहीं शॉर्ट तो नहीं है, जहाँ पर एक क्लिप लगा हुआ ना यहाँ कहीं शॉर्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है। शॉर्ट तो नहीं लगा, शॉर्ट नहीं लगा। चलो ठीक है, एक बार यहाँ पर दोबारा देखो। अब ऊपर मैं मल्टीमीटर दे रही तो मैं नीचे से लगा दूँ, कोई बात नहीं। मल्टीमीटर आप ही रखो। तो नॉक सेंसर के कनेक्शन हटाने के बाद में अब हमारा यहाँ पर 117 ओम आ रहे हैं, मतलब 117 तो हम ठीक ही मानेंगे कि हमारे 117 ओम आ रहे हैं। चलो बाहर आओ एक बार। तो अब हमारे यहाँ पर ओम सही आ रहे हैं। हम एक बार चलते हैं हमारे यूरिया वाले पे और यहाँ पर देखते हैं हमारे कितने ओम आ रहे हैं। जो हमारे ये TR हमने निकाल रखा था इन दोनों पे चेक करते हैं। आ जाओ बाहर एक बार। तो हमने वहाँ पर लगा रखे हैं और हमारे यहाँ पर ओम नहीं आ रहे हैं। अच्छी तरह लगा रखी है ना? हाँ ठीक है, यहाँ पर आओ, यहाँ पर और चेक करो।
यहाँ पर और देखते हैं हमारे ओम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ये हमने जहाँ पर का जो टी आर था यहाँ पर हमने लगाया हुआ है और अब यहाँ पर देखते हैं हमारे ओम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो आप देखिए हमारे जहाँ भी ओम नहीं आ रहे हैं इसका मतलब अब हम कंफर्म हो गए हैं हमारी ये जो वायरिंग है जो SCR पे लगती है ये वाली ख़राब है। हम दूसरी लेके आते हैं और लगा के देखते हैं हमारी गाड़ी की क्या पोजिशन रहती है। ये हम अलग से ही जो ATS पे लगती है वायर हम ये ले आए हैं और देख लीजिए ये हमने जो DRS किट आता है ना ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं और कंपनी ने अलग से एक छोटे वाला DP सेंसर दिया है हमने उसमें से वायरिंग ली है और ये कनेक्शन कर दिए हैं। अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पर 120 ओम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। देखो ज़रा हमें लगता है इसी के अंदर ही जो जॉइंट होता है इसका उसी में ही कोई प्रॉब्लम हो रही है। वेरी गुड ये देखिए अब हमारा यहाँ पर 120 ओम आ गया। अब वहाँ पर भी देखो एक बार हिल रही है तार तो टाइट पकड़ो। हमारे यहाँ भी देखे ओम 120 17, 18, 19, 20 हमारे ओम इतने सही हैं। ठीक है अब हम ये वाला TR देते हैं भैया वो TR पकड़ाओ। ये TR है कहाँ रख दिया वो TR एक और कहाँ रखा हुआ था संभाल के रखा करो ऐसी चीज़ों को लगाओ यहाँ पर। हाँ लगाओ लगाओ ये हमने TR लगा दिया। अब देखना वहाँ 60 ओम आने चाहिए वहाँ। हम काम करते करते अंधेरा भी हो चुका है और फिर भी हम देख रहे हैं गाड़ी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो। वेरी गुड तार हिलते क्यों है आप ढंग से नहीं लगाते हो। देखिए अब हमारा यहाँ पर 60 ओम के आसपास प्रॉपर ही आ रहा है। अब यहाँ आ जाओ इन वायरिंगों में चेक करो सब में। तो अब हम जो हमने अलग से दूसरी वायरिंग लगाई थी उसमें हमारे प्रॉपर हर जगह कैन आ गए हैं। मतलब ये अब कंफर्म हो गया कि हमारा जो कैन वायर का इसके अंदर जॉइंट होता है वो प्रॉब्लम है। तो हम इस ये वाली वायरिंग लगा के गाड़ी को तो रिलीज़ करते हैं और जब फ्री होंगे इसे हम उधेड़ के देखेंगे कि इसमें क्या है या हम इसके वायरिंग डायग्राम पर भी चर्चा कर लेंगे कि इसके कैसे कैसे कैन होते हैं। तो फाइनली बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इस गाड़ी में हमें और प्रॉब्लम हमें मिल गई है। तो चलिए अब तो नाइट हो गई है सुबह इसकी फिटिंग करवाएंगे और फिर आगे गाड़ी का चक्कर लगवा के देखते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि हमें ATS की वायरिंग में प्रॉब्लम मिली है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये टेम्परेचर सेंसर मॉड्यूल के वायरिंग डायग्राम के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ATS के कैन वायरिंग के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप पहले कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं मैं सबसे पहले उसी के ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक खुश रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।